हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सीरीज का 8th पार्ट। इसके पहले पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हेनली मो की फैमिली को एक गैंगस्टर से बचाता है और जैंग को वहीं रहकर उनकी देखभाल करने को बोलता है। आगे उसे वैन नाम का एक कल्टीवेटर मिलता है और हेनली उसके साथ कल्टीवेटर्स की एक सीक्रेट मीटिंग की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें हेनली का गांव नजर आता है और पता चलता है कि यहाँ हेनली की बहन की शादी हो रही है। हेनली चुपचाप खड़ा ये सब नोटिस करता है कि फाइनली उसकी फैमिली एक अच्छी कंडीशन में है, लेकिन कुछ सोचकर वो अपनी फैमिली के सामने नहीं जा पाता। वैन पूछता है कि क्या तुम इस फैमिली को जानते हो, लेकिन हेनली इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर उनके जाने के बाद वो अपने घर की ओर जाता है और अपने बचपन के दिनों को इमेजिन करता है कि कैसे वो अपनी बहन के साथ यहाँ खेला करता था। उन दिनों को याद करके वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे इस बात की शांति थी कि अब वो सब एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और वो सामने आकर उनकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो टेबल पर उनके लिए कुछ मैजिकल हर्ब्स रखता है जो उसके पेरेंट्स की लाइफ को और बढ़ा सकती है, और साथ ही अपनी जमा की हुई सेविंग्स भी दे देता है ताकि घर का खर्चा चलाने में उनकी मदद कर सके। फिर वो अपनी बहन का दिया हुआ ब्रेसलेट निकालता है जो उसने हेनली की सेफ्टी के लिए दिया था और कहता है कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और अब से ये मेरी फैमिली के काम आएगा। मन ही मन वो उनसे माफी मांगता है कि वो शायद उनसे दोबारा नहीं मिल पाएगा, और फिर वहाँ से निकलकर सीधा वैन के पास आ जाता है। वैन भी उसकी सिचुएशन देखकर सब समझ चुका था और कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत अच्छे बेटे हो। फिर हम उन्हें अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ वैन उसे बताता है कि ये मीटिंग शू कंट्री में होने वाली है और वहाँ के सबसे बड़े साइंटिस्ट में पार्टिसिपेट करने आएंगे। ये मीटिंग असल में उन कल्टीवेटर्स के लिए है जो किसी भी सेक्ट के मेंबर नहीं है, और यहाँ वो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का ऑडिशन दे सकते हैं। इसी तरह बातें करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और जल्द ही ग्रेट साउथ वैली तक पहुँच जाते हैं। वैन उसे एक घाटी दिखाता है जो बादलों से घिरी हुई है और कहता है कि कल्टीवेटर्स की मीटिंग यहीं होने वाली है, लेकिन वो लोग मैजिक से इसे छुपा कर रखते हैं ताकि आम आदमी उन तक कभी ना पहुंच पाए। फिर वो धुंध के रास्ते से उस घाटी की ओर जाते हैं और हेनली देखता है कि वैन अचानक से कहीं गायब हो गया है। फिर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और वैन उसे पकड़कर उसके अंदर खींच लेता है। हेनली देखता है कि वो तो एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचा है जो देखने में किसी टाउन के जैसी लग रही है, और वहाँ उनके जैसे हजारों कल्टीवेटर्स मौजूद हैं जो अलग अलग आइटम्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे हर्ब्स और कुछ मैजिकल वेपन्स। हेनली ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और तभी उसकी नज़र एक बड़े से टावर पर जाती है। वैन उसे बताता है कि ये असल में ग्रेट साउथ माउंटेन टावर है और कल्टीवेटर्स की मीटिंग इसी में होने वाली है। फिर वो हेनली से और आगे चलने को कहता है और हम देखते हैं कि एक आदमी ने उसकी पोटली चुरा ली है। वैन को इसकी जरा भी खबर नहीं होती, लेकिन हेनली ने ये सब देख लिया था और वो उस चोर से वैन के साथ साथ उसकी पोटली भी चुरा लेता है। तभी सामने एक कपल आ जाता है जिन्होंने हेनली की हरकत देख ली थी, और वो उस चोर से अपनी पोटली चेक करने को बोलते हैं। चोर भी हेनली की स्मार्टनेस देखकर बहुत हैरान होता है और हेनली वैन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी चोरियाँ होती हैं। तब वो कपल हेनली से कहता है कि वूजी सिर्फ फन के लिए चोरी करता है और बाद में ओनर्स को उनका सामान वापस कर देता है। फिर वो अपना और अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन देता है कि हमारा नाम किन और पिंगू है और वूजी असल में हमारा ही दोस्त है और हम सब बहुत ही ईमानदार लोग हैं। किन कहता है कि लगता है तुम भी यहाँ किसी क्लैन में भर्ती होने आए हो, तो क्यों ना हम सब साथ में मीटिंग के लिए चले। लेकिन हेनली उनके ऑफर के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ और कुछ देर घूमकर इसे देखना चाहता हूँ। वो वैन को वहीं छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ जाता है और थोड़ी ही दूर पर उसे एक स्टॉल दिखाई देता है जिसमें वैसी ही बुक रखी है जैसी कि डॉक्टर मो के पास थी। ओनर इस बुक के बदले दो स्पिरिचुअल स्टोन मांगता है जो यहाँ की अनऑफिशियल करेंसी है, लेकिन हेनली के पास तो अपने बनाए कुछ पोशंस ही थे। ओनर इस डील के लिए एग्री हो जाता है और हेनली देखता है कि ये तो डॉक्टर मो की बुक का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कल्टीवेशन के और भी मेथड लिखे हुए हैं। तभी उसकी नज़र एक दूसरे स्टॉल पर जाती है जहाँ की ओनर एक मैजिकल फ्रेगमेंट बेच रही है। वो दिखाती है कि इस फ्रेगमेंट से किसी भी चीज को गायब किया जा सकता है और ये देखकर सब उसके लिए बोली लगाने लगते हैं। लेकिन फेंग्यू नाम का आदमी कहता है कि सबसे पहले इसे मैंने खरीदने को बोला था और जो कोई मेरे बीच में आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुनकर बाकी लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं और फेंग्यू उस फ्रेगमेंट के लिए एक स्पिरिचुअल स्टोन ऑफर करता है। तभी हेनली आगे आता है और कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें दो मैजिकल पोशन दूंगा, और वो लड़की भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है।
हैंगली फ्रेगमेंट लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फेंग्यू कहता है कि तुम इस तरह मुझे इंसल्ट करके नहीं जा सकते, और हैंगली को मारने के लिए अपना वेपन निकालता है। तभी उसकी एक साथी वहाँ आती है और कहती है कि जल्दी ही मीटिंग शुरू होने वाली है और तुम्हें फिलहाल मुसीबत से दूर रहना चाहिए। फेंग्यू उसकी बात मान जाता है और हैंगली को वॉर्न करता है कि अगली बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। हैंगली मन ही मन सोचता है कि ये जगह दुष्ट लोगों से भरी पड़ी है और मुझे अपने कदम संभल कर रखने होंगे। आगे वो एक सुनसान सी जगह जाता है और जेब से अपना वो ग्रीन पोशन निकालता है जिसमें किसी भी चीज को ग्रो करने की पावर है। फिर वो उसे उस फ्रेगमेंट में रैप करता है ताकि बुरे लोगों की नजरों से छुपा कर रख सके, और ऐसा करते ही वो पोशन गायब हो जाता है। तभी वहाँ वो स्टॉल वाली लड़की आती है जो अपनी मदद के लिए हैंगली का शुक्रिया अदा करने आई है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और मैजिकल आइटम है। वो उसे एक गोल्डन ब्रश दिखाती है जो एक लेवल 2 डीमन के बालों से बना हुआ है और कहती है कि ये मैजिकल स्पेल लिखने में तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके साथ ही वो एक स्पेल बुक भी उसे देती है और हैंगली भी कुछ सोच कर उसे खरीद लेता है। आगे हम वैन को देखते हैं जो किन और पिंगू की उस चोर फैमिली के साथ बैठा हुआ है, और उनकी बातों से पता चलता है कि शू कंट्री में टोटल 7 सेक्ट्स हैं, और किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल रूट लेवल, और अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सेक्ट के ऑडिशन में हिस्सा नहीं ले सकते, और इसीलिए ज्यादातर कल्टिवेटर्स पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं। इस पर वैन कहता है कि तब तो हमारा कोई चांस नहीं है, और काश इसे पास करने का कोई आसान तरीका होता। तब किन उसे एक लूप होल के बारे में बताता है कि ये 7 सेक्स अपने लोगों को कुछ टोकन गिफ्ट किया करते थे, और अगर ये टोकन तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम किसी भी सेक्ट को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें ऑडिशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हैंगली भी छुप कर ये बात सुन लेता है और जेब से उस टोकन को निकालता है जो उसे लड़ाई के दौरान उस बोने फाइटर से मिला था। वो देखता है कि टोकन पर येलो सेट का नाम लिखा हुआ है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।